देख जमीन किस तरह उठन लग रही भाई, ये देखो भाई जमीन उठन लग रही अपने आप, ये देखो भाई नया तजुर्बा, जमीन का अपने आप नया तजुर्बा जमीन खिसकने का मामला। जी हां, जमीन खिसकने का जो वीडियो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वायरल हो रहा था, वह वीडियो हरियाणा के कुचपुरा गांव का है और उसी गांव में पहुंची है करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम, जहां का वीडियो और जहां का मंजर आपने देखा होगा। जब बारिश आई थी 13 जुलाई को पिछले हफ्ते, काफी ज्यादा बारिश आई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश आई, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा और उसमें किस तरह से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी, जमीन ऊपर आती हुई नजर आ रही थी, हर कोई हैरान था। गांव के लोगों ने वीडियो बनाया, वो भी हैरान थे कि आखिरकार ये कैसे हुआ है। लेकिन आज की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये गांव कहीं और का नहीं बल्कि हरियाणा का ही कुचपुरा गांव है। हरियाणा का कुचपुरा गांव जो जिला करनाल में आता है, वहां पर पहुंची है करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम। ये वीडियो जो आपने देखा, काफी लोग इसको कुदरत का करिश्मा मान रहे थे, लेकिन ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं, ये खुद जो है, ये तस्वीरें जो देख सकते हैं, ये हरियाणा का कुचपुरा गांव था जो वीडियो में आपने देखा कि जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी, जमीन फटती हुई नजर आ रही थी। लोग सोच रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है, गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो पूरी टीम है वो स्पेशल कवरेज करने यहां पहुंची है। जा रहे विक्की ऊपर बग जा, ऊपर बैठ कर चला गए। तुम मौजूद हो भाई, मेरे भाई ये टोटली हरी बाग का देखियो, बैठने गिरी देखे बैठने दे, बैठने गिरी चला रे, आउट चला रे, पर बैठने रिया देखे, ओ उठ गया, ओ उठ गया और भी हेला बाग का देख तेरी बाल जावा। नु मौजूद हो भाई, अरे फोन दे, मैं फोन ना खा ले। देखो मेरे भाई, देख पानी पड़ेगा भाई नीचे, धरती पटल है, देख कमाल है, देख पितर पटल भाई, अपने आप ही जमीन उठन रही, पता नहीं भोलेनाथ ने क्या कर दिया जमीन, ये तो भोले पर जान दे तो नहीं उठावेगा। ओए अग अलग देख, अग अलग बिकी, देख सकते हो भाई। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ज़मीन जो है वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि जो वीडियो था वो पूरे देश भर में दुनिया भर में वायरल होता है और लोग देखते हैं कि बारिश हो रही है, ज़मीन का पानी एकदम नीचे जा रहा है, ज़मीन एकदम ऊपर जा रही है। लोगों ने कह दिया कि देखिए भूत प्रेत आ गए, देखिए शिवजी जी ने कमाल कर दिया। लेकिन ये कोई भगवान का कमाल या भूत प्रेत का या कोई अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला। ये वीडियो वायरल हो रही है, इतना कहा जा रहा है कि अजूबा है करिश्मा है, तो ये करिश्मा अजूबा कुछ भी नहीं है, दरअसल ये हम इंसानों की गलती है। जब हमने खिलवाड़ किया है इस प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ, जब हमने कुछ कर, जब पेड़ काटने हम लोग चले हैं, जंगल काटने हम लोग चले हैं, तब ऐसा ही खामियाजा हमको और आपको सबको पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही ये मिट्टी ऐसे ऊपर उठती है और तब हमको लगता है कि ये करिश्मा हुआ है, लग ही नहीं रहा ये कोई खेत है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कोयले की खदान है कोई। आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, वीडियो काफी वायरल हुई थी और ये लाइव तस्वीरें आप लोग इस वक्त देख रहे हैं हरियाणा के कुचपुरा गांव से। जमीन खिसकने का मामला, जी हां, जमीन खिसकने का जो वीडियो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वायरल हो रहा था, वे वीडियो हरियाणा के कुचपुरा गांव का है और उसी गांव में पहुंची है करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम, जहां का वीडियो और जहां का मंजर आपने देखा होगा। जब बारिश आई थी 13 जुलाई को पिछले हफ्ते, काफी ज्यादा बारिश आई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश आई, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा और उसमें किस तरह से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी, जमीन ऊपर आती हुई नजर आ रही थी, हर कोई हैरान था। गांव के लोगों ने वीडियो बनाया, वो भी हैरान थे कि आखिरकार ये कैसे हुआ है। लेकिन आज की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये गांव कहीं और का नहीं बल्कि हरियाणा का ही कुचपुरा गांव है। हरियाणा का कुचपुरा गांव जो जिला करनाल में आता है, वहां पर पहुंची है करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम, क्योंकि लगातार वे वीडियो थाउजेंड्स ही नहीं बल्कि लाखों लोगों द्वारा देखा गया, करोड़ों लोगों द्वारा देखा गया, शेयर किया गया, हर किसी ने शेयर किया, देश भर के अलग अलग कोनों में शेयर किया गया। लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा था कि यह वीडियो आखिरकार कहां का है। लेकिन आज हम आपको उस जगह पर लेकर पहुंचे हैं जहां का यह वीडियो है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं।
ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं था जो देखने से ऐसा लगता है, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया। हालांकि गांव के लोग यहां पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है कि ये नहर के किनारे के साथ लगती जमीन है और यहां पर क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अपनी मिट्टी को, खेतों की मिट्टी को बेच देते हैं और वहां पर जो शैलरों से निकली हुई राखी होती है उसको डाल दिया जाता है, जिस कारण यूं कहे कि नेचर से छेड़छाड़ का वो नतीजा देखने को मिला कि किस तरह से जब बारिश आई पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा ज़मीन पर पड़ा, क्योंकि मिट्टी वहाँ से उठ चुकी थी, वो जगह कहीं जगह खोखली थी, जिस कारण मिट्टी का जो पूरा का पूरा पहाड़ था वो ऊपर आ जाता है। जो आप पहाड़ वो देख सकते हैं किस तरह से करीबन 15 फुट ऊपर जो है मिट्टी आ जाती है और जहां पर छेद हो जाते हैं, और किस तरह से कुदरत का करिश्मा नहीं बल्कि वो खुद इंसानी जो है हरकत थी कि किस तरह से प्रकृति को छेड़छाड़ की गई थी, मिट्टी खेतों से उठाई गई थी, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि जांच जरूर कराई जाए आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला था। लेकिन गांव के लोग इस मामले में ज़्यादा कुछ भी बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपको दूसरी जगह लेकर चलेंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़मीन से खिसक कर मिट्टी उठकर 15 फुट ऊपर जो है आ जाती है, हम आपको वहां भी लेकर चलेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ बड़ा गांव है और आसपास के गांव के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मंजर अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाला है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कौन सा गाँव है जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं? कुछ पूरा जी। तो क्या हुआ, क्या था यहाँ पे? पता नहीं जी, बारिश की जब आई थी तो उसके बाद यहाँ पे पानी गया तो जमीन ऊपर उठ गई जी। हाँ जी, पहली बार देखी अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा? हाँ जी, पहली बार देखा था जी। तो उसी दिन थे आप, आए थे यहाँ? हाँ जी, जब ये उठ गई थी उसके बाद आए थे जी हम। तो यहाँ क्या लगा हुआ था? यहाँ धान लगे हुए थे जीरी जी। हाँ जी, ये तो लगे। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन पता नहीं चल रहा था वो कहाँ का वीडियो है। हाँ जी, यही लगता है कि मिट्टी वगैरह उठाई गई थी यहाँ से, पता नहीं शायद जी, ये तो हमें नहीं पता जी। हम तो यहाँ सिंगड़े, लेकिन जगह यही थी। हाँ जी, यही है जगह। तो इसमें राख है ये? हाँ जी, शायद राख ही है, मिट्टी भी है ऊपर। हाँ जी, तो नुकसान भी हुआ है? हाँ जी, नुकसान तो ही है, देखो जी। तो शुक्र ये है कि बारिश आ रही थी तो यहाँ पर कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे, किसान या मजदूर काम नहीं कर रहे थे। अगर वो काम कर रहे होते तो बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भी दब सकते थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सब कुछ सुरक्षित है। तो कुछ और गाँव के लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो आपने देखा, काफी लोग इसको कुदरत का करिश्मा मान रहे थे, लेकिन ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं, ये खुद जो है, ये तस्वीरें जो देख सकते हैं, ये हरियाणा का कुछ पूरा गांव था जो वीडियो में आपने देखा कि जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी, जमीन फटती हुई नजर आ रही थी। लोग सोच रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है, गाँव के लोग भी हैरान थे कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो पूरी टीम है वो स्पेशल कवरेज करने यहां पहुंची है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार यहां पर क्यों हुआ, और जो खेत के मालिक है वो इस समय लाइव एक्सक्लूसिव करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि यहां पर ज्यादा फसल नहीं हुआ करती थी, लेकिन जानकारी मिली है कि यहां पर जो मिट्टी थी उसको जो है किसी को बेच दिया गया था, जिस कारण यहां पर जो राखी थी उसको डाल दिया गया था। और जब बारिश का दबाव आता है, क्योंकि कई सालों का 30 से 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा, इतना पानी आया, किस कारण जो जमीन है 10 फुट नीचे तक जो है ऊपर आ जाती है, और आप देख सकते हैं कि करीबन 12 से 15 से 20 फुट का जो पहाड़ है वो यहां पर बन जाता है। और इस समय जो गांव के इस जमीन के मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक वीडियो जारी हुआ था जिसे देखकर हर कोई हैरान था कि आखिरकार ये वीडियो है कहां का। जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी, जमीन उखड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आप इस खेत के मालिक हैं तो क्या कुछ बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में, क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैं ना फेसिंग विलेज कुछपुरा सर, ये मेरी जमीन है लगभग 1 एकड़, 1 किला सर। ये इसमें फसल ना होने के कारण मैंने इसकी मिट्टी सड़कों वाले पे गरवा दी थी, सड़क वाले से उठवा दी, फिर मैं इसमें थोड़ी राखी डाल दूँ और थोड़ी मिट्टी यानी कि डलने के बाद मेरी फसल हो जाएगी सर। मैंने इसमें 7-8 फुट का गहरा खड्डा लगवाया था, ये खड्डा लगवाने के कारण भी राखी भी डल गई इसमें। मैंने दूसरे खेत से थोड़ा सा भी, मैं 2-2.5 किले का जिम्मेदार हूँ, मैंने दूसरे खेत से लगभग 1-2 फुट इस पर मिट्टी भी डलवाई। मिट्टी डलवाने के कारण उसका मिट्टी का राखी का मिलान ना होने के कारण बरसात ज़्यादा, यानी कि 30-31 सालों में इतनी बरसात मैंने भी देखी है, भी ज़्यादा पानी खड़े होने के कारण इसका मिट्टी का राखी का मिलान नहीं हुआ था, इसमें मिट्टी में दरार पड़ गई।
ये अपना पानी का वजन ज्यादा होने के कारण ये थोड़ा ऊपर उठ गई। तो आप वहीं थे उस समय जब ये हुआ था? नहीं मैं तो ये नहीं। तो वीडियो किन लोगों ने बनाया? वो वीडियो पता नहीं जी, रास्ते में किसी ने जाने वाले ने बनाया, क्या करिश्मा है फलानी है, मतलब देखने का मंजर अलग ही था। जमीन पहली बार किसी ने ऊपर जाती हुई देखी? ये नॉर्मल जमीन है सर, पानी है अभी, पानी में तो ये पहाड़ भी बह जाते हैं, मकान भी बह जाते हैं। आप हिमाचल देखो, उत्तराखंड देखो, यानी कहीं भी जाके देखो, यानी कि सारी यानी कि गांव के गांव। कितने साल से आप जमीन के मालिक हैं यहाँ पे? मैं जमीन का मालिक जी, पहले मेरे डैडी था सर, 2009 में मेरे डैडी। लेकिन आपने खुद देखा ऐसा कभी यहाँ पर होता हुआ? नहीं ऐसा नहीं होता देखा जी, मैंने तो टीवी पे देखा भी पहाड़ भी खिसक गए पानी में, ऐसा हो गया। मिट्टी इसकी निकलवा के बेची वगैरह थी? हाँ जी, सड़क पे गई थी मिट्टी जो मैं। तो कोई कुछ इसका दायरा होता है कि कितने फुट मिट्टी बेच सकते हैं? ज्यादा फुट तो नहीं बेची मिट्टी? हाँ जी, 2-3 फुट का दायरा था इसमें, जबकि मेरा माइनिंग का पर्चा भी हो गया था इसमें कोई। अच्छा, हाँ मेरा केस चल रहा है, मतलब ज्यादा बेच दी थी आपकी गलती रही। तो अभी दूसरे किसानों से अपील करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि माइनिंग का पर्चा भी हुआ था, क्योंकि आपने इस जगह की जो है मिट्टी बेच दी थी, जबकि एक दायरा होता है कि आपने सिर्फ इतनी ही मिट्टी देनी है, लेकिन उससे ज्यादा दे दी होगी, आपका पर्चा भी हुआ होगा। जमींदार होने के कारण मैंने नहीं पता था इस बात का भी, ये मिट्टी मैंने तो नहीं पता था। अभी गाँव में जैसे हम 3-4 मंजिल या 5 मंजिल मकान बना लेते हैं, हम अपनी जमीन को 8-10 बोरा गहरा खड्डा डलवा के बार भी थोड़ा हमारा काम चल जाएगा, अभी थोड़ा मिट्टी मट्टी राखी टुकड़ी डलवा के भी हम थोड़ा हम नॉर्मल एक छोटा सा जिम्मेदार है जी, क्या क्या करेगा, यानी कि उसको अपना सारे बच्चे की पढ़ाई भी होती है, शादी भी होती है उनके सर, ऐसे मजबूरी में क्या पता क्या करना पड़ता है। कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है सर, ये तो यानी कि परमात्मा की नुकसान हुआ जी। मैंने इसमें 1.5 लाख की तो सर मैंने मिट्टी डलवा रखी थी दूसरे खेत से इसमें है, बाकी फिर मैंने कंप्यूटर गोड़ी लगवाई, जीरी लगवाई, मैंने उनको सारे को पैसे दिए थे मैंने। क्या नाम है आपका? मैं नफे सिंह, विलेज। तो किसान को नुकसान भी काफी हुआ है, नफे सिंह है कुछपुरा गांव के किसान है, लेकिन उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं गलती उनसे जरूर हुई कि उन्होंने 8-10 फुट गहरी जो यहां से मिट्टी थी वो बेच दी। हालांकि एक दायरा होता है 1 या 2 फुट मिट्टी बेचने का, लेकिन इन्होंने ज्यादा बेच दी थी। जब प्रशासन को इसकी शिकायत पहुंची थी तो इनके खिलाफ माइनिंग का मामला भी दर्ज हुआ था, आज वो उस चीज का पछतावा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई करिश्मा नहीं था, नेचर से खिलवाड़ था। यानी कि जब आप एक नेचर से खिलवाड़ करेंगे, आप जमीन ज्यादा गहरी देंगे और उस पर खेती करने की सोचेंगे, तब जाकर जो है ये अजूबा सा है कि जो वीडियो था वो सामने आया था। और उस वीडियो को ढूंढते-ढूंढते जब हम पूरे हरियाणा में हम पता कर रहे थे, क्योंकि जो वीडियो बनाने वाले शख्स की आवाज थी वो हरियाणा की लग रही थी, लग रहा था कि वो हरियाणा के कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं उसमें, और जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया लग रहा था, लेकिन उसमें कोई गांव का जिक्र नहीं था। लेकिन सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाने वाला करनाल ब्रेकिंग न्यूज है, हम उस गांव में पहुंचे हैं, वो गांव हरियाणा का कुछपुरा गांव है जो करनाल जिले में पड़ता है, आज वहां पर हम पहुंचे थे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ और किसान हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जो अजूबा हुआ ये आखिरकार हुआ कैसे। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन दोबारा से हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जमीन किस तरह उठने लग रही भाई? देखो भाई जमीन उठने लग रही अपने आप, ये देखो भाई नया तजुर्बा, जमीन का अपने आप नया तजुर्बा। तो भाई यू क्या विक्की कह दिया जमीन की चक जा जा रहे विक्की ऊपर भग जा ऊपर बैठ कर चला गए तुम मौजूद हो भाई यू मेरे भाई ये तो उठ लिया री भाग देखियो बैठने के देखे बैठने दे बैठने उठ रहा बैठने रिया देखे उठ गया और भी हेला तेरी बाल जा अपने आप ही जमीन उठन रही पता नहीं भोलेनाथ ने क्या कर दिया जमीन ये तो भोले को जान दे दोनों नहीं उठावे। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुछपुरा गांव की दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये कोई पहाड़ नहीं है बल्कि जमीन जो बारिश आने के बाद फटी थी उसकी एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई अजूबा नहीं है, ये कुदरत का एक हम कह सकते हैं कि देन है। हुआ कैसे वो हम आपको बताना चाहेंगे। खेत को खोदा गया था, मिट्टी निकाली गई थी क्योंकि यहाँ पर फसल नहीं हो रही थी, और जो मिट्टी निकाली गई थी वो काफ़ी गहरी खोद दी गई थी, यानी कि काफ़ी गहरा यहाँ पर खड्डा कर दिया गया था। उसके बाद उस मिट्टी को बेच दिया जाता है, लेकिन बाद में यहाँ पर राख भी डाली जाती है, दूसरी जगह से मिट्टी भी डाली जाती है, और उस मिट्टी और राख का मिलान नहीं हो पाया था, और उससे पहले तेज़ बारिश आ जाती है। इतनी तेज़ बारिश आ जाती है कि जो ज़मीन है वो
कम से कम 10 फीट ऊपर आ जाती है। और आप देख सकते हैं ये फिलहाल कुचपुरा गांव का नज़ारा है और तकरीबन 1 एकड़ की ऐसी ज़मीन है जहां पर ज़मीन ऊपर आ गई है। जो एक्चुअल सिचुएशन होती है, जो एक्चुअल स्थिति होती है, उससे तकरीबन 8 से 10 फीट ऊपर आ गई है ज़मीन और एक पहाड़ नुमा यहां पर स्थिति बन गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, गांव के ही हैं? हाँ जी, मैं गांव के हूँ। ये नफीस सिंह है भाई, मेरा चाचे का लड़का है। इसने सर ये मिट्टी 8-10 फुट खदवाई थी सड़क वाले में, उस सड़क पर गिरी थी। तो थोड़े दिन बाद इसने राखी भी डाली, बेचारे ना बहुत ही परेशान होया। उसके बाद इसने मिट्टी भी डाली 1.5-2 फुट। मिट्टी डालने के बाद कंप्यूटर गोड़ी लगाई, और उसके बाद गोड़ी लगाने के बाद जिसने जीरी भी लगाई, ट्रैक्टर भी चलाया जिसमें, और ज़्यादा बारिश होने के कारण तो पीछे से पानी आया जी 8-10 फुट, ये आपस में मिल नहीं पाई और ये ऊपर उठ गए जी। ना तो इसमें भूत है, ना कोई प्रेत है जी, ना कोई शिव जी है, कोई कह रहा है जिसमें कुछ है। हम तो सरकार से यही अपील करते हैं भाई, नफे सिंह का कुछ मदद करी जाए। नफे सिंह बहुत परेशान है जी, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो पहले जो फसल वो मिट्टी निकाली गई थी वो मुनाफा कमाने के लिए? नहीं सर, इसमें कोई मुनाफा नहीं हुआ। पहले इसमें मान ले फसल नहीं हुआ थी, कांकर सी थी। इसने सोचा भाई सड़क पे माटी करवा के अपनी ताजी मिट्टी दूसरे खेत में से, ये 1 एकड़ जमीन है, दूसरे खेत में से इसने बेचारे ने मिट्टी लेकर इसमें गरवाई। से कम 1.5-2 लाख रुपये की मिट्टी गरवाई। इसमें कोई फायदे वाली नुकसान ही बहुत ज्यादा हुआ जी नफे सिंह का। और मैं अपील करता हूँ जी, मान ले अपने सीएम साहब से भाई, इसका कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए। बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार मान ले जी, बारिश ना इबका जी इतनी 20-30 साल लगा कार्ड तोड़े, मान ले कभी भी इतनी बारिश नहीं देखी थी जितनी बारिश इबका आई जी। जैसे मान ले थोड़ा ये पानी नीचे बग गया जी, मिट्टी ऊपर बग गई, कोई कह रहे हैं तो पहाड़ हो गया जी, कोई कह रहे शिव जी आ गया, कोई कह रहे कुछ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये हम बिल्कुल ही सच्चाई है और मौके पे हैं जी। तो कितना एक्चुअल जो स्थिति होती है उससे ऊपर आ गई है ये तो ऊपर तो जी मान ले जैसे भी जितनी खदवाई थी नीचे पानी चले गए, ऊपर आ गए। जैसे 7-8 फुट खदवाई थी, 8-7 ऊपर आ गई जी, नीचे पानी चला गया सर जी, ऊपर मिट्टी आएगी जी, मिट्टी और राखी आएगी। और ये दोबारा से जी बोर्ड का बिल्कुल ही मिट्टी 2-3 फुट जितनी खदवाई थी जी, इससे भी ज्यादा डबल नुकसान हो गया जी नफे सिंह का भाई का। तो कितने एकड़ में ये जमीन है? ये जी 1 एकड़ में खदवाया था जी, बीच में मान ले 1 एकड़ में खुद रही सर जी। तो इसमें मान ले मैं हमने पता नहीं चाहे नफे सिंह ना जी, मैंने भी बोल लिया, फिर माइनिंग आला आ गया, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज भी हो गया। मैं तो सरकार से अपील करता हूँ, जिसका पर्चा दर्ज भी एक जिम्मेदार होने के कारण अपनी जो फसल उगाता है जी सभी देश के लिए, और मान ले सभी सोचते हैं अभी मान ले दाना दाना बनाए और फिर आगे पहुँचाए और खाए। मान ले मैं कहता हूँ सरकार से इसका पर्चा दर्ज भी कैंसिल होना चाहिए जी। आए थे कोई अधिकारी? हाँ, अधिकारी आए थे जी माइनिंग आले, और बेचारा नहीं अभी नहीं आए जी, ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था जी उसी दिन का। मान ले जब से मान ले पता नहीं था जी, जब से इन्हें खुदवाई थी और जब से मान ले ये मान ले फिर भरी भी राखी भरी फिर मिट्टी डाली। कितने टाइम पहले खुदवाई थी तकरीबन? ये भी खुदवाई थी जी, सड़क बना थी जी आज से 5-6 महीने पहले जी। 6 महीने पहले जमीन खुदवाई जाती है, उसके बाद जब सड़क बन रही थी वहां पर मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर राख डाली जाती है। राख डालने के साथ साथ दूसरे खेत से भी मिट्टी लाकर यहाँ पर डाली जाती है, और उस मिट्टी और राख का अच्छे तरीके से मिलान नहीं हो पाता, और जब मिलान नहीं हो पाता है तो तेज बारिश आती है, और तेज बारिश आने के बाद जो ये जमीन है वो ऊपर आ जाती है, और जमीन ऊपर आ जाती है उसके कारण आप देख सकते हैं जमीन नीचे भी धस सकती है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस पूरे नतीजे को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान भरा हो सकता है, नुकसान भरा हो सकता है। लोग अगर यहाँ पर आए नीचे भी धस सकते हैं जी। बिल्कुल नुकसान जी, जब एक मान ले इतनी बारिश हुई थी और ये मान ले थोड़ा पहले तो ऊपर उठ रही थी, अब नीचे बैठ गई है, तो मौसम कच्चा है जी मान ले। तो इसके हम यही कहेंगे जी, थोड़ा सा अपना दूर रहे जिसमें पानी खड़ा है अभी भी, तो दूर रहें इस ज़मीन से, ये कभी भी नीचे दोबारा धस सकती है। फिलहाल ऊपर आई हुई है, और आप देख सकते हैं ये करनाल के कुचपुरा गांव की तस्वीर है, जहां पर जिस तरीके की जो स्थिति बनी वो ना ही कोई भूत प्रेत की बात है, ना ही कोई कुदरत के करिश्मे की बात है। ये जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहाँ पर हम इस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है जो पर्यावरण के संदर्भ में उचित नहीं है, उसके कारण इस तरीके का नुकसान देखने को मिलता है। और ये नुकसान फिलहाल किसान का हुआ है, तकरीबन 1 एकड़ जो ज़मीन है उसका नुकसान हुआ है। इस पर आप देख सकते हैं कि जीरी की फसल भी लगी हुई है, लेकिन ये फिलहाल किसी काम की नहीं है। अपील की जा रही है इनकी तरफ से कि प्रशासन इस ओर आए,
ध्यान दे, सरकार इस ओर ध्यान दे, इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो इनके खिलाफ माइनिंग का पर्चा दर्ज हुआ है वो भी रद्द होना चाहिए। हालांकि उसमें क्या कुछ गतिविधियां रही, क्या कुछ नियम रहे, उस पर प्रशासन जरूर देखेगा, क्योंकि इस तरीके से एक पैमाना होता है, एक दायरा होता है, इतने फीट तक आप मिट्टी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उससे आप ज़्यादा मिट्टी निकाल लेंगे तो फिर उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। ये साथ वाला खेत है, साथ वाले खेत में भी आप देख सकते हैं इसी तरीके का जो दृश्य है वो आपको नजर आएगा। जो एक्चुअल सिचुएशन है उससे ऊपर आ गई है जमीन। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं कि किस तरीके से जमीन फट जाती है। कई बार हम इसे भूत प्रेत मान लेते हैं, कई बार इसे हम भगवान का एक करिश्मा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो स्थिति है, ये जो तस्वीर है, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ की है, और प्रकृति ने एक बार फिर से बता दिया कि अगर आप हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में, हिमाचल में हम अक्सर देखते हैं कि पहाड़ों पर हम लगातार घर बनाए जा रहे हैं, तो उसको उसकी जो त्रासदी है उससे हमें गुजरना पड़ता है, और फिलहाल जो पानी है उसी ज़मीन के अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ज़मीन जो है वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि जो वीडियो था वो पूरे देश भर में, दुनिया भर में वायरल होता है, और लोग देखते हैं कि बारिश हो रही है, ज़मीन का पानी एकदम नीचे जा रहा है, ज़मीन एकदम ऊपर जा रही है। लोगों ने कह दिया कि देखिए भूत प्रेत आ गए, देखिए शिवजी जी ने कमाल कर दिया, लेकिन ये कोई भगवान का कमाल या भूत प्रेत का या कोई अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला था, और प्रकृति जो है वो ईश्वर की ही देन है। अगर हम उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर हमारे साथ खिलवाड़ होना लाजमी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोगों से अपील है कि आप अपनी ज़मीन के साथ, पेड़ पौधों के साथ, इस प्रकृति के साथ, इस पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो फिर उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के कुछपुरा गांव से। जी हां, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम हरियाणा के कुछपुरा गांव पहुंची है, और इस वक्त आप ये नज़ारा देख सकते हैं। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी कि ज़मीन अपने आप खुद ब खुद ऊपर उठ रही है। जी हां, एक वीडियो जो इतनी वायरल हुई तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम सबसे पहले यहां हरियाणा के कुछपुरा गांव में पहुंची, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है, कोई अजूबा नहीं है। दरअसल यहां पर जिनकी ये ज़मीन है उन्होंने मिट्टी कुछ निकलवाई थी, उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने इसी वजह से ये काम किया और ये ज़मीन खुद ब खुद ऊपर उठाई है। जी हाँ, जब जब भी नेचर के साथ ऐसी छेड़खानी की जाती है, जब हम लोग, हम इंसान इस कुदरत के साथ छेड़खानी करते हैं, तो कुछ ऐसा ही खामियाजा देखने को मिलता है। जैसा कि इस वक्त आप ये मंजर देख रहे हैं कि कैसे इसमें जीरी भी लगाई गई थी, लेकिन अब वो जीरी किसी भी काम की नहीं रह गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे कोयला जैसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्होंने बीच में राख भी डलवाई थी, जो कि मिट्टी और शायद राख अच्छे से मिक्स नहीं हुई है। हाँ, तो जब मिट्टी मिक्स नहीं होएगी, जब नेचर के साथ वो मेल नहीं खाएगी, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। तो ये जो वीडियो वायरल हो रही है, इतना कहा जा रहा है कि अजूबा है, करिश्मा है, तो ये करिश्मा अजूबा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये हम इंसानों की गलती है, जब जब हमने खिलवाड़ किया है इस प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ, जब जब हमने कुछ कर, जब पेड़ काटने हम लोग चले हैं, जंगल काटने हम लोग चले हैं, तब तब ऐसा ही खामियाजा हमको और आपको सबको, पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही ये मिट्टी ऐसे ऊपर उठती है, और तब तब हमको लगता है कि ये करिश्मा हुआ हुआ है, लग ही नहीं रहा ये कोई खेत है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कोयले की खदान है कोई। आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, और ये लाइव तस्वीरें आप लोग इस वक्त देख रहे हैं हरियाणा के कुछपुरा गाँव से। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी लोग जो इसको कुदरत करिश्मा समझ रहे हैं और शायद बहुत ही गलत सोच लेते हैं बहुत चीज़ें, और फिर शेयर करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या असलियत है। तो असलियत यही है कि दरअसल यहाँ पर नेचर से छेड़खानी की गई है, कुछ ज़रूर जिनकी ये ज़मीन है उनको कुछ ज़रूरत आन पड़ी थी, कुछ उनको प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई उन्होंने ये मिट्टी उनकी बेची और बीच में यहाँ पर राख मिलवाई, लेकिन वो राख मिट्टी से अच्छे से मिल नहीं पाई, और उसके बाद ये नतीजा देखने को मिला है। तो ये कोई कुदरत या करिश्मा नहीं है,
थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसे वीडियो देखते हैं पहले जांच पड़ताल कीजिए, तभी वीडियो को आगे शेयर कीजिए। इस वक्त आप लाइव कवरेज देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से।